अच्छा जी, आज जो है वो हम कल करेंगे एग्रीगेशन की, और उसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो है कार मे और मे नॉट हैव सी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास पुराना कोड है, मैं उसे कॉपी कर लूँगा और इसी के अंदर हम एग्रीगेटेड क्लास जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लास आ गई। अच्छा, इसको हम चेंज करने का एक थोड़ा सा आसान तरीका भी है, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पर जाके पेस्ट किया, कंट्रोल H, इधर मेरे पास जहाँ पे भी हॉर्स पावर है मैंने चेंज कर दिया किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और यहाँ पर मैंने ये सॉल्व कर दिया। बल्कि अगर मैं ET भी साथ में लगा देता हूँ सिंपल हो जाएगा, और उसके बाद जो सिंपल पावर है और टेम्परेचर है उसको भी मैं प्रेस कर देता हूँ, और इंजन की जगह अब हम AC लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी AC आ गया और इधर भी AC आ गया। तो यही हमारी जो क्लास है, यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो AC का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास सीन से स्टार्ट होता है, तो सबसे इसको कंडीशन हम चेंज करती, कॉपी किया और बंद कर देते हैं। और हम यहाँ पे आ गए और हमने क्या किया, इंजन के बाद हमने AC वाली क्लास को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे कंपोजिशन हो रही थी, यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, AC का एक पॉइंटर रख लेंगे, उसको रेफरेंस AC कह दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्टिंग फंक्शन फॉर दी एग्रीगेटेड क्लास, तो यहाँ पे आके मैंने एक फंक्शन बना दिया टू टाइप का, और उसमें क्या हैज़ AC, और ये सिंपली क्या रिटर्न कर रहा है कि अगर हमारे पास रेफरेंस AC है ये नॉट इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब क्या है कि AC जो है वो लगा हुआ, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेफरेंस AC को इनिशली नल कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सेटर गेटर आ जाएंगे, सेटर एंड गेटर मेथड्स फॉर दी एग्रीगेटेड क्लास। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा void set AC temperature, और यहाँ पे आ गया int temperature, इधर जो है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे has AC, AC लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर AC लगा हुआ है तो ऑब्वियसली हम उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया रेफरेंस AC, फिर एरो आ गया, पॉइंटर्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, एरो यूज। तो उसके बाद यहाँ से मैंने इसका जो फंक्शन है सेट टेम्परेचर वाला उसको कॉल कर दिया, और उसमें टेम्परेचर पास कर दिया। फिर मेरे पास आ गया वो इंट गेट AC टेम्परेचर, यहाँ पे गेन मेरे पास इफ आ गया, या तो हम इफ़ लगा सकते हैं या हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि टर्न हैज AC क्वेश्चन मार्क, तो अगर AC लगा हुआ है तब हम क्या रिटर्न करेंगे, रेफरेंस AC का गेट टेम्परेचर फंक्शन, और
और अदरवाइज हम जीरो रिटर्न करते हैं। तो ये जो था ये सेटर कैटर के लिए था, और उसके बाद हमारे पास आ गए एक्सेसरी मेथड्स फॉर द एग्रीगेटेड क्लास। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन जो सबसे ज़रूरी है वो है इंस्टॉल एसी, और यहाँ पे हम इंट टेम्परेचर जो है वो उसकी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के कर लिया ताकि हमें ये मल्टीपल जो है वो फंक्शंस ना बनाने पड़े। तो इफ़ नॉट हैज़ एसी, अगर एसी नहीं लगा हुआ देन ऑब्वियसली हम एसी को वो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रेफरेंस एसी इक्वल्स टू न्यू ऑफ एसी, और उसके अंदर हमारे पास आ गया, और एल्स में आप तो जो है वो टेम्परेचर को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो है void uninstall एसी, और यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने चेक किया if has ac, अगर ac लगा हुआ है तभी हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तब हमने क्या किया, हमने डिलीट कर दिया सबसे पहले, यानी मेमोरी रिलीज कर दी किसकी, रेफरेंस ac की, और उसके बाद रेफरेंस ac को हमने किसके इक्वल कर दिया, नल के इक्वल कर। तो ये जो थे ये हमारे पास नेसेसरी फंक्शंस थे जिससे हमें पता लग रहा है ये एग्रीगेशन हो रही है, और उसके बाद हमारे पास आ गया स्पोर्टिंग फंक्शन। प्रिंट डिटेल में भी हम इसको ऐड कर देते हैं, और हियर इफ हैज एसी, अब हमने क्या करना है हम सी आउट कर देंगे एसी टेम्परेचर कॉलन एंड get AC temperature, और यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इधर मैंने क्या किया, एक तो ये काम था, उसके बाद मैंने कहा obj car dot install AC, और यहाँ पे आ गया temperature में हम दे देते हैं 25, और obj car dot print details once again। तो जब मैं इसको चलाऊंगा चलाते हैं यहाँ पे आगे पेस्ट किया, और हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट किया। तो जब पहली दफ़ा चला तो इसमें कोई एसी नहीं था, और उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एसी भी आ गया।